आज के इस वीडियो में मैं रांची के सबसे बड़े मॉल निकोलस मॉल में पूरी रात गुजारने वाला हूँ। अब हम लोगों को टाइम पास करना होगा, कैसे करें यहाँ पे ये और हम लोग तीन लोग रहने वाले हैं। ये है लक्ष्मण रेखा, इससे बाहर अब जाना नहीं है। पूरा यार साफ सफाई यहाँ पे होते रहता है। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है कितना भाई, 8, और हम लोग को रुकना है यहाँ रात। देखते हैं भाई, शायरी बना दिया। तो इस मॉल में पूरा रात स्टे करने से पहले हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना यहाँ के लोगों से ही पूछते हैं कि यहाँ पे कैसे रुके। हम बोल रहे कि हमको मतलब निकोलस मॉल में पूरा रात गुजारना है, क्या हम यहाँ पे रह पाएंगे रात भर? रात भर तो थोड़ा सा मुश्किल हो। कितना बजे तक लास्ट रह पाएंगे? हाँ, 2 बजे तक, सुबह तक नहीं, क्योंकि बाहर रू चलते हैं ना ऊपर। तो यहाँ पे भैया के कहने से हम लोगों का कॉन्फिडेंस और हौसला दोनों बढ़ जाता है। लेकिन क्या लगता है आप लोगों को कि हम लोग सुबह तक रह पाएंगे? क्या भैया का बात सच है? अंदर जाने से पहले पूरा बाहर का तो आप लोगों को नजारा दिखा दे। आई लव रांची। भाई कौन कौन रांची से प्यार करते हो बता दो। रांची से सब कोई प्यार करता है भाई। अच्छा, तो चलिए देखते हैं रांची से कौन कौन प्यार करता है। तुम रांची से प्यार करते हो? हाँ करते हो। तुम भाई करते है? रांची से प्यार करते है? नहीं। किसे प्यार करते भैया? भाई खरीद पाएगा? बहुत महंगा है, मुफ्त में मिलता है तो ले लो। कोई ले लेता, लेकिन 8 बजे आए, 8 बजे से हम लोगों को पूरा मॉल खाली खाली दिख रहा है। तो हम लोग पूरा निकोलस मॉल घूम ही रहे थे, लेकिन हम लोगों की औकात होती है एक टीम से जो कि गरीब बच्चे और अनाथ बच्चे की मदद करने के लिए सबसे डोनेशन ले रहे थे। तो अगर आप लोगों का भी मन करता है कि कुछ डोनेट कर दे तो ये QR कोड में कुछ पैसे भेज के आप मदद कर सकते। तो अब हम लोग चल जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, या फिर सिर्फ कपड़ा का प्राइस देखने के लिए। बढ़िया कपड़ा लग रहा है, प्राइस देख लेते कितना बढ़िया। तो आप लोग भी गेस करो कि ये शर्ट का प्राइस कितना होगा। 3000 रुपये का कपड़ा लेंगे। बढ़िया लग रहा है, 3500 का शर्ट नहीं है। अब इतना महंगा कौन पहन खरीदता है रे? अरे 3000 का तो था ही भाई, 3000 का तो था ही भाई। 9:06 हो चुका है, धीरे धीरे खाली हो रहा है। तो हम लोगों को पूछे तो हम लोगों को पता चला कि 10 बजे सारा दुकान बंद हो जाता है। तो 10 बजे तो सारा दुकान बंद हो जाएगा। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना उससे पहले कुछ गेम्स का आनंद उठाया जाए, थोड़ा सा भी हम लोग गेम्स का आनंद उठाते। लेकिन भाई गेम्स खेलने के लिए तो कार्ड बनवाना पड़ता है, और उस कार्ड का प्राइस 100, 200, 500 नहीं बल्कि 1100 रुपए, और इतने पैसे हमारे पास नहीं है। मौसा जी, एक मेरे को 5000 रुपए पेटीएम कर दोगे? मेरे को थोड़ी जरूरत थी। मैं तो खेल तो नहीं सकते, लेकिन देख जरूर सकते हैं। टाइम बहुत धीरे धीरे बीत रहा है, बोर हो रहे यार। वेट करते हैं ना कोई चीज का, उससे तो घर में टाइम बीतता है। नहीं चलो, और हम लोग जा रहे बच्चे वाला गेम में। तो भाई वहाँ पे तो पैसे लग रहे थे, लेकिन एक ऐसा भी जगह था जहाँ पे फ्री का खेला जा सकता था। 7 ये भी हमारे बस की बात नहीं है। कट कर देना प्लीज इसे। जो हारेगा उसको 10 बार पुशअप्स मारना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना भाई? चलें ये सब टेंड करते हैं, चला जाओ। और इस गेम का सिंपल सा रूल है, इसमें 2 गोल पोस्ट है, जो पहले गोल करेगा वो जीतेगा। ओहो, ओहो। ताकत बढ़ गया मेरा बहुत ज्यादा। ये 5 सेकंड का टाइम है, 5 सेकंड में हमको पूरा ठीक करना है। ठीक है, हम पीछे मुड़ जाए। हाँ भले, चलो राजीव तुम्हारा टाइम होता है अब। 1, 2, अरे रुक जा, 3, ये 6 × 4। अरे यहीं पे रखा हुआ था रे, हम ध्यान भी नहीं दिए यार। तो ये तो गेम्स हो गया, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा मैं म्यूजिशियन भी हूँ, या शायद म्यूजिशियन बनने का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और इससे पता चलता है कि मुझे गेम्स भी सीखने की काफी जरूरत है। तो यहाँ पे हम लोगों का अच्छी तरह से समय कट ही रहा था, लेकिन बैड न्यूज ये थी कि ये दुकान भी बंद होने को था। बाय, गुड नाइट। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि मूवी देख के टाइम पास किया जाए। टिकट का प्राइस कितनी है? आर्टिकल 12:30 का कौन सा शो है? 10:30 क्लास शो है। भाई अभी पता चला कि मूवी तो 1:30 तक ही है, कैसे होगा? तो भाइयों अभी बज चुका है 10:30, 33-34 मिनट हो रहा होगा 10 बजे के, और हम लोग यहाँ पे रुके हुए, खाना नहीं है कुछ, फिर भी हम लोग बैठे हुए क्या? तो यहाँ पे मुझे एक भैया मिल जाते हैं जो कि मुझे समझाते हैं कि ये चैलेंज को कंप्लीट कैसे किया जाए। बाथरूम जाओ, बैठे रहो।
मस्त प्लान है। हो जाता है किसको पेचिस हो जाता है, पेट खराब हो जाता है। तो इतना बार निकल गए तो दोबारा निकल जा रहा था, इसलिए हम नहीं निकल पाए। गाइस देखो इधर दुकान बंद हो रहा है सारा, अभी टाइम हो रहा है 10:50। देखो इधर का माहौल, और ये जाने वाला, ये जो लड़का है ये जाने वाला है ना तुम। तो भाई तेरा यहीं तक था साथ, तुम जाओ, हम लोग दोनों को अब रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम तीन दोस्त में से एक दोस्त तो हार मान चुका था, अब हम दोनों दोस्त को चैलेंज कंप्लीट करना है। जो बताए कितना बज रहा है अभी, टाइम देख, टाइम देख, टाइम देख, 11:20, 5 ही मिनट हुआ वो वहाँ से यहाँ आया। तो भाई लोग यहाँ पे मेरा लाइव देखे और आए, बोला गला मिला तुम लोग इधर आओ यार, इतना प्यार सपोर्ट। तो यहाँ पे मैं अपने सब्सक्राइबर लोगों के साथ कुछ देर टाइम स्पेंड करता रहा। जो भाई लोग आए थे वो लोग भी चले गए, और अभी बज रहा है, कितना बज रहा है दोस्त, 12:12 हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों को धीरे धीरे काफी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि दुकान सारा का सारा बंद हो रहा था और ना ही कोई दिख रहा था। हार्ट बीट तेज हो रहा है ना। यहाँ एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है, तो हम लोग सोचे सबसे सस्ता चीज यहाँ मंगा लेते हैं, धीरे धीरे उससे टाइम हम लोग का बढ़ेगा, उसके बाद हम लोग वॉशरूम में रहेंगे। अब सारे सिक्योरिटी गार्ड बाहर पहरेदारी कर रहे थे और हमारे लिए बस एक ही सेफ जगह बचा हुआ था, वॉशरूम। चढ़ने वाला भी बंद हो चुका है। अरे भैया जादू, अरे ये क्या हुआ हाइला, अरे तुमसे जादू। अरे एक बात बताते हैं, मेरा घर तरफ का लड़का लोग हमको बोलता है भाई न्यूक्लियस गया है, न्यूक्लियस गया है। तो बोलते हैं अरे भाई डेली हम यहाँ पे वॉशरूम करने आते हैं। जोक मारा भाई। तो यहाँ पे हम लोग वॉशरूम में अच्छे से टाइम पास तो कर ही रहे थे, बट वॉशरूम भी बंद हो गया। साफ करेगा भाई, वॉशरूम बंद हो चुका है। तो पूरे मॉल में कोई नहीं दिख रहा था, वैसे ही मुझे एक अंकल दिखते जो कि बस पूरे गाना सुन रहे हो ही जाएगा। तो हम लोग सभी सिक्योरिटी गार्ड से बच के जा ही रहे थे, लेकिन वैसे हमें एक सिक्योरिटी गार्ड टोक देते हैं। नहीं बोले ना, मेरा हम लोग का दोस्त लोग है ना मूवी देख रहा है। हाँ तो यहाँ पे हम लोग झूठ बोले कि हम लोगों का दोस्त मूवी देख रहा है अंकल से बचने के लिए, समझे। तो फिर हम लोग को बोला है वेट करने, नहीं होगा पॉसिबल ही नहीं बाहर। तो यहाँ पे हम लोगों को लगा हम लोगों का चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग सुबह सुबह को जाएंगे, लेकिन अंकल बोले कि तुम लोगों को अभी निकलना होगा बाहर में। जानते हैं कि हमारा दोस्त है, लेकिन हम तो थोड़ी देखेंगे, दिन वाला था वो जानता होगा। लेकिन भाई चैलेंज तो ले चुके हैं और पूरा तो करना पड़ेगा। बंद हो चुका है गार्ड, अंकल लोग बोल रहे हैं कि आप लोग बाहर जाओ, कोई उपाय नहीं है रुकने का। तो यहाँ पे हम लोग सोचे कि पार्किंग एरिया में जाएंगे, लेकिन और एक सिक्योरिटी गार्ड हमें रोक देते हैं। तो फिर भी हम लोग कैसे भी करके पार्किंग एरिया चले जाते हैं। अभी हम लोग यहाँ कितना देर रहेंगे पता नहीं, आग भी लहर रहा है पूरा। तो हम लोगों का बैड लक, यहाँ भी हम लोगों को जगह जगह पे गार्ड्स दिख जाते हैं। अभी का आप लोग टाइमिंग देखिए कितना है, 2:46 हो चुका है, कल था 11 तारीख, आज 12 तारीख हो चुका है, क्योंकि सुबह तो हो चुका है, सुबह तक का चैलेंज 4 बजे तक रुका जाए। बहुत नींद आ रहा है, अब से नहीं होगा, हम 10 बजे से हम बहुत नीचे। तो यहाँ पे हम लोग सोचे थे कि सुबह 4 बजे तक रहेंगे, लेकिन हम लोगों को गार्ड अंकल पकड़ लेते हैं। जाने का तो मन नहीं कर रहा था, सोचे 4 बजे आराम से, फिर 4 बजे आराम से जाते, मॉर्निंग वॉक करते हुए जाते। देखो कोई नहीं है, देखो पूरा खाली। तो खुश हो भाई, बाय बाय निकलेस मॉल। 3:30 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मजा आ रहा ना, मजा नहीं। हाँ और अभी आप लोग ये नहीं पूछने लग रहा कि पीछे है कौन, क्योंकि यार रांची में सभी कोई 3 बजे के बाद से चाय पीने आ जाते हैं। तो तब तक के लिए मुझे खाने दो, और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे बंदे नए जो हुए सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। हम और अभी खाएंगे अभी नट्स है ना। बाय 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 बाय।